Hi guys, welcome back to my channel. It's me Sadia. So in today's video I'm going to show you how do I clean my beauty blenders. I hope you guys like this video. If you like it, please give me a big thumbs up, like, subscribe and share this video. Don't forget to turn on the notifications bell so you don't miss any videos. So yeah, let's get started video. सो यहाँ पे मेरे पास है एक क्लीन बॉल और इसमें मैंने डाला है 1 कप वाटर. उसको लेके मैं माइक्रोवेव में 2 मिनट्स के लिए वार्म कर दूँगी. ओके, सो ये वाटर मेरा हो गया है वार्म और इसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं डिश वॉशर सोप ऐड किया है. आप कोई भी माइल्ड सोप यूज़ कर सकते हैं, लाइक बेबी जॉनसन्स का या कोई भी बेबी शैम्पू, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डिश सोप जो कि है 99% बैक्टीरिया फ्री. सो यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर्स को सोक कर दिया है इस वाटर में और आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको स्क्वीज़ कर रही हूँ तो उसमें से कितना ज़्यादा डर्ट निकल रही है, लाइक फाउंडेशन आ रहा है. तो इसको मैंने छोड़ देना है 1/2 आवर के लिए ताकि इसमें जितना भी इसका डर्ट है वो अच्छे तरीके से वाटर जो है इसका ब्यूटी ब्लेंडर्स में स्क्वीज हो जाए और सारी डर्ट जो है वो निकल जाए. तो नाउ आफ्टर 30 मिनट्स के बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर्स को अच्छे से वॉश कर रही हूँ वार्म वाटर में और आप देख सकते हैं कि कितने क्लीन हो चुके हैं. उसके जितना भी वाटर है, जो डर्ट था, वो सब बाहर आ चुकी है. सो यहाँ पे मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स हो गए हैं वॉश और क्लीन. आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये क्लीन हुए हैं. तो यहाँ पे मैं जितना भी वाटर है इसको मैं डंप कर रही हूँ सिंक में और आप देख सकते हैं इसमें से कितना डर्टी वाटर निकला है. आप ब्यूटी ब्लेंडर्स को वीक में एक दफ़ा ज़रूर लाजमी क्लीन किया करें, क्योंकि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर्स को अपने ब्रशेस को क्लीन नहीं करेंगे सही होगा कि आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो सही से एक तो ब्लेंड नहीं होंगे, दूसरा ही आपके फेस पे पिंपल भी आने का डर होता है. सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू डोंट मिस एनी वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.